हेलो दोस्तों, एक वीडियो और आपके लिए लेकर के आए हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। आपके एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से हो जाए तो ये लगभग 25-24 क्वेश्चन हैं। तो ये हमारी जो है थर्ड वीडियो है इस सीरीज़ की। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड रेड? व्हाई इज़ द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड रेड? कि हमारा जो खून है उसका जो रंग है वो रेड क्यों होता है? रेड क्यों है? तो राइट आंसर है हीमोग्लोबिन की वजह। हीमोग्लोबिन जो प्रेजेंट होता है इसमें ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन का रंग जो है रेड होता है, इस वजह से हमारे खून का रंग रेड होता है। तो एक क्वेश्चन और पूछा गया है, वो शायद हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आए, कि जो ब्लड है उसके अंदर कौन कौन सी तीन चीज़ें जो है प्रेजेंट हैं। तो तीन चीज़ें हमने बतानी हैं, तो उसमें से एक तो है साल्ट, एक थी प्रोटीन और एक जो थर्ड था वो था हार्मोन। तो ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं हमारे ब्लड में। एक ये भी क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, वो नेक्स्ट वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे। उसके बाद है लाल किला किसने बनवाया था? तो ये है शाहजहां ने। तो दोस्तों आपने इसमें एक ऐसे कैटेगरी बनानी है कि किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हमारे एग्ज़ाम में। तो जैसे ये है कि किसने रेड फोर्ट बनवाया, तो इससे रिगार्डिंग हम कैसे बनाएंगे कि हुमायूं ने कौन कौन सी चीज़ें बनाई, अकबर ने कौन कौन सी चीज़ें बनाई, शाहजहां ने कौन कौन सी चीज़ें बनाई और औरंगजेब ने कौन कौन सी चीज़ें बनाई। ऐसे जो है हमको भी कैटेगरी वाइज जो है एक ऐसे अच्छे से याद रखने हैं। उसके बाद है अकबर के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उसका नाम क्या था? राजा टोडरमल थे जो इसके फाइनेंस मिनिस्टर थे अकबर के। उसके बाद है इंस्ट्रूमेंट उस्ताद बिस्मिल्ला खान यूज टू प्ले, तो काफ़ी फेमस थे ये। अब ये नहीं रहे दुनिया में। शहनाई जो है, शहनाई का उस्ताद बोला जाता है इनको। तो बिस्मिल्ला खान जो है शहनाई को बजाते थे। उसके बाद है फेमस स्लोगन दिया है जय जवान जय किसान का, किसने दिया है? लाल बहादुर शास्त्री ने ये स्लोगन दिया है। तो स्लोगन के ऊपर भी जो है हमको ध्यान रखना है कि कौन कौन सा स्लोगन किस जो है लीडर थे जो हमारे, वो किसने दिया है। उसके बाद है LTE। LTE लिखाता है जैसे अब जियो के जो फ़ोन यूज़ अब हम कर रहे हैं, जब से जियो यूज़ कर रहे हैं तो LTE आता है लिखा हुआ। LTE आता है, तो इस LTE की फुल फॉर्म क्या है? यह लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन एक या दो क्वेश्चन कंप्यूटर से जरूर रहेगा, तो कंप्यूटर जरूर जाएंगे करके। उसके बाद अडैश स्प्लिट सनलाइट इनटू 7 कलर्स। जैसे सपोज ये लाइट आई यहाँ से, तो ये 7 कलर में जो है डिवाइड हो जाएगी। तो क्या चीज़ है जो इसको 7 कलर में डिवाइड कर देगी? प्रिज्म। प्रिज्म होता है जो 7 कलर में डिवाइड कर देता है। उसके बाद है विच इज़ द ओनली स्टेट इन इंडिया टू हैव अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड किस स्टेट के पास है? सिर्फ अकेला है, गोवा के पास है यूनिफॉर्म सिविल कोड। उसके बाद है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव अस द मैग्नीट्यूड ऑफ। तो आपने न्यूटन के तीन लॉ जो है वो याद रखने हैं कि कौन सा लॉ हमको क्या बताता है। तो सेकंड लॉ बताता है हमको एफ इज इक्वल टू एम ए फोर्स, ये होता है ये एक्सीलरेशन और ये मोमेंटम। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ये मास होता है, मास ऑफ बॉडी, ए फॉर एक्सीलरेशन और एफ मतलब फोर्स। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिमेन्स इन द लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। तो इसका राइट आंसर है मरकरी जो है रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड फॉर्म में रहेगा। ये अकेला एक ऐसा मेटल है, धातु है। गवर्नर ऑफ असम पूछा है, तो आप सभी स्टेट्स की, जगदीश मुखी है गवर्नर ऑफ असम, तो सभी स्टेट्स की कैपिटल और सभी स्टेट्स के जो भी गवर्नर हैं वो आप याद रख के जाएंगे। यूनियन टेरिटरी की भी कैपिटल काफ़ी पूछी गई हैं, तो यूनियन टेरिटरी की भी चाहे वो लक्षद्वीप हो, पौंडीचेरी हो, दमन एंड दीव हो, इन सभी की जो है आपने याद रख करके जानी है। उसके बाद अभी इसमें जैसे बताया भी गया है कि असम के जो गवर्नर है वो जगदीश मुखी हैं,
बिहार के हैं लालजी टंडन हैं, एंड मणिपुर के नजमा हेपतुल्ला एंड मेघालय के तथागता रॉय हैं। उसके बाद क्वेश्चन आया है कि हरियाणा गवर्नमेंट इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड इज़ गिवन टू वीमेन टू हैव कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ। ओके, हरियाणा गवर्नमेंट ने अवार्ड दिया है इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड, इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड दिया है, तो किस फील्ड में दिया है? रिहैबिलिटेशन ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन, ये इस फील्ड में जो है इनको अवार्ड दिया है। उसके बाद है स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, एक हिमायत अभी चला था, तो ये किस स्टेट में स्टार्ट हुआ था? हिमायत, ये हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में, नाम याद रखना है हिमायत। उसके बाद क्वेश्चन है विच इज़ द हैवीएस्ट प्लैनेट, सबसे भारी प्लैनेट कौन सा है हमारे इसमें? जुपिटर, बृहस्पति, बृहस्पति जो है ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हैवीएस्ट प्लैनेट है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं विच विटामिन हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड, तो ब्लड से रिलेटेड कौन सा विटामिन है? आप सभी को पता है विटामिन के। ओके, विटामिन के जो है ये क्लोटिंग ऑफ ब्लड से रिलेटेड है, तो जहाँ भी क्लोटिंग ऑफ ब्लड की बात आए एंड विटामिन की बात आए तो विटामिन के आपका आंसर होगा। उसके बाद है व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ द लेंस, तो यहाँ से एक क्वेश्चन फिजिक्स से भी आया है। ओके, तो फॉर्मूला ऑफ लेंस है, ओके, चाहे वो मिरर का फॉर्मूला है चाहे वो लेंस का फॉर्मूला है, तो आपने वो याद रखना है। तो लेंस का फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f होता है फोकल लेंथ, v होता है इमेज का डिस्टेंस और u होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। अगर यहाँ लेंस की बजाय मिरर का हम यूज़ करते हैं कि मिरर का फॉर्मूला बताओ, तो सेम होगा, बस यहाँ पे प्लस आ जाएगा बीच में, मतलब 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये होगा मिरर का फॉर्मूला। उसके बाद हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द वाइंड स्पीड इज कॉल्ड एनीमोमीटर, एनीमोमीटर बोला जाता है जो इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है वाइंड स्पीड को। उसके बाद है वाटर विच इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड डैश वाटर। ओके, तो जो वाटर हम जिसको हम पी सकते हैं वो कौन सा वाटर कहलाता है? पोर्टेबल, पोर्टेबल वाटर वो कहलाता है। उसके बाद है हु इज़ द प्राइमरी लॉयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्राइमरी लॉयर कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसके रिगार्डिंग कई बार क्वेश्चन आए हैं, एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में भी। सबसे पहले तो हमने इनका जो है आर्टिकल याद रखना है, तो आप गूगल करेंगे कि कैग के बारे में ये पर्सन कौन है, इनका नाम क्या है, और अटॉर्नी जनरल के बारे में इसके आर्टिकल कौन कौन से हैं। ओके, इन दोनों चीज़ों के बारे में आप जो है गूगल करेंगे। उसके बाद है हाउ मैनी हर्ट चैम्बर आर देयर इन द फिश, तो फिश के जो हर्ट चैम्बर है वो कितने होते हैं? वो दो होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है डेनिस मुकवेजे एंड नादिया मुराद को अभी जो है नोबेल प्राइज़ मिला है 2018 में, किस फील्ड में मिला है? पीस कैटेगरी में इनको ये अवार्ड मिला है, शांति पुरस्कार। ऐसे ही आपको लिटरेचर का भी तो अब की बार नहीं मिला है, फिजिक्स का याद रखना है एंड केमिस्ट्री का भी याद रखना है। ओके, और जो मेडिसिन के जो क्षेत्र में मिला है वो भी याद रखना है, और एक मिला है इकोनॉमिक, इको नोमी के उसमें मिला है, वो भी जो है आपने नोबेल प्राइज़ याद रखने हैं। उसके बाद है एक सैलिवा, द सैलिवा इन ह्यूमन बॉडी कंटेन्स विच एंजाइम, सो सैलिवा के अंदर कौन से एंजाइम होते हैं? सैलिवरी अमाइलेज, सैलिवरी अमाइलेज किसके अंदर होते हैं? सैलिवा के अंदर। उसके बाद है स्टेट विद मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? कर्नाटका में, और ऐसे ही आपसे टी का भी पूछा जा सकता है। ओके, ऐसे रिगार्डिंग जैसे आप बैम्बू का पूछ सकते हैं या एक रबड़ का भी पूछ सकते हैं। ओके, तो ऐसे जो है आप इनको याद रखेंगे। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग वेद आर टॉक अबाउट द मेडिसिन, तो कौन से वेद हैं जो मेडिसिन के बारे में बताते हैं? अथर्ववेद जो है हमको मेडिसिन के बारे में बताते हैं। ऐसे ही आप ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे, यजुर्वेद एंड सामवेद के बारे में, कि कौन सा वेद किसके बारे में बताता है। ओके, तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस, होप आपको अच्छे लगे होंगे, आपकी हेल्प करेंगे आपके प्रिपरेशन में। ओके, अगर अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ओके, तो नेक्स्ट टाइम
आपके लिए वो इम्प्रूवमेंट भी हम करेंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों।